Hello everyone here we have a topper of GPAT 2024 Mr Rishabh Jain who got the amazing rank all India rank 4 with an amazing score 384. Congratulations Rishabh so for an amazing performance so before start all the tips and tricks about the GPAT exam the first question whom would you like to dedicate this rank uh, thank you so much sir for such a warm welcome so firstly i would like to dedicate to my parents बिकॉज माई पेरेंट्स प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल देन सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक टू मोहन सर हुज़ कॉन्स्टेंटली हेल्प मी इन दिस जर्नी हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे मतलब कैसे पढ़ना है uh, कैसे हर एक बात सीखना है और कैसे सब कुछ मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये जो मेन है वो सर ने सब अच्छे से मुझे बताया और थर्ड थिंग मतलब मेरे दोस्त तो दोस्त ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया सर वेरी गुड है सो कैन यू टेल मी हाउ you यू फील आफ्टर सीइंग द रिज़ल्ट सर बेसिकली मैंने जब रिजल्ट देखा तब मैं बाहर था और जब मेरे को मालूम पड़ा कि मतलब पहले तो uh, आंसर की आई तो उसमें मार्क्स देखे मैंने फिर uh, जब ऑल इंडिया तो, तो, सर मालूम पड़ा कि ऑल इंडिया रैंक पूरा तो आई वाज वेरी हैप्पी सर ओके ओके गुड सो हाउ डिड यू मैनेज यू आर प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स सर जी पैट का मैंने बेसिकली मतलब थर्ड uh, ईयर के लास्ट सेम uh, से मैंने चालू किया था और uh, मतलब मैनेज हो गया सर क्योंकि जो अपन सेमेस्टर में पढ़ते वही मोस्टली जी पैट में रहता है और क्लासेस uh, वगैरह रहते थे तो वो रेगुलर में रिवाइज़ करता था

स्टूडेंट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़ना चाहिए नहीं तो नहीं पढ़ना चाहिए आपका कॉमेंट क्या है इसमें सर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन जी पैट में या कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते तो को कोई भी अगर प्रिपरेशन करता है तो उसको तो स्टैंडर्ड बुक से ही पहले पढ़ना चाहिए और ख़ुद के नोट्स बनाने चाहिए ओके okay. मतलब अभी मार्केट में चल रहा था मतलब फिफ्टी मॉड्यूल्स बहुत सारा मटेरियल्स

नहीं तो प्रिपरेशन शुरू करने के बाद थोड़ा फाउंडेशन आई तो क्लियर रहना चाहिए मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा एंड अलॉन्ग विद दैट वन थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करे तो ईजी हो जाएगा यस सर राइट यस सर सो कैन यू सजेस्ट फ्यू रेफरेंस बुक्स स्टूडेंट्स मस्ट बी यस रेफर दीज बुक्स सर फॉर फार्मेकोलॉजी यू कैन रेफर द के डी त्रिपाठी इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू हैव टू स्टडी सुटिक्स यू कैन रेफर द मार्टीन और uh, मार्टिन में फिज़िकल फार्मेसी बहुत अच्छा दिया है वो तुम अच्छे से पढ़ लो सेकेंडली इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए लैकमन इज़ मस्ट लैकमन के जो इम्पोर्टेंट टेबल्स है वो अच्छे से कर लो टैबलेट्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो अच्छे से लैकमन uh, से पढ़ लो सुटिक्स uh, होने के बाद कोगनोसी के लिए यू कैन रेफर कोकाटे या ट्रीज एंड इवान्स बट कोकाटे इज़ सफिशंट और मेडिसिनल uh, केमिस्ट्री uh, के लिए तुम फोए वगैरह भी पढ़ सकते हो यस मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए येस yes, फोए ओके okay, okay. और विल्सन और किस वर्ल्ड भी अच्छा है ओके okay. सो so, अभी मैं सपोज मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ यस सर अभी मेरे को जीपैड प्रिपरेशन शुरू करने का hmm. मैं कैसे शुरू करूँ सर बेसिकली तो पहले जीपैड का सिलेबस कॉपी देखो सिलेबस कॉपी में क्या है क्या नहीं है बच्चे क्या करते हैं कि क्या सब पढ़ लेते हैं बट सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है जीपैड में exactly. तो जो पढ़ना है वो पहले सिलेबस कॉपी में देखो कौन से टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर तुम जो मेन टॉपिक्स जो पूछ रहे हैं हर साल लास्ट फाइव ईयर्स में वो टॉपिक्स पहले करो और फिर माइन माइनर सब्जेक्ट जैसे रहते हैं वो बाद में करो एग्जैक्टली exactly. फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट करना चाहिए बाद में जो मतलब आपको लगता है ये मीडिया uh, में वैसा टॉपिक्स तो करे तो अच्छा है राइट सो फॉर क्वालिफाइंग जीपैट एग्जाम क्या तीन चीज़ें स्टूडेंट करना चाहिए क्या तीन चीज़ें स्टूडेंट नहीं करना चाहिए सर पहले तो फर्स्ट चीज़ करनी चाहिए कि तुम एक तो अपना कंसिस्टेंसी रखो कंसिस्टेंसी में और सेकेंड थिंग की रेफरेंस बुक से पढ़ो और थर्ड थिंग की खुद के नोट्स बनाओ ये मेन थ्री थिंग्स अगर कोई भी स्टूडेंट करेगा तो वो इजीली जी पैट क्वालीफाई हो जाएगा exactly. और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए तो अभी बहुत सारा यूट्यूब पे फोमो रहता है वो फॉलो नहीं करना चाहिए सेकेंडली थिंग है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं आजकल बहुत पब्लिकेशंस की बुक्स है तो वो पढ़ना बंद कर दो और है ना अननेसेसरी कौन से भी ई e नोट्स उठाने का कौन सा भी सोर्सेस से मैं तो बोलता हूँ एक ही सोर्स रखो वही सोर्स अच्छे से करो और बार बार रिवाइज करो वेरी गुड वेरी गुड दैट इज मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है बहुत कुछ पढ़ने के लिए कोशिश करता है आपको देखो आपका ब्रेन तो limited capacity है तो लिमिटेड कैपेसिटी है यू कैन रिमेंबर ओनली लिमिटेड थिंग्स इवन इफ यू स्टडीड द सो मेनी थिंग्स यू कैनॉट रिकलेक्ट ज्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो अब जितना चाहिए उतना पढ़ो नो नीड टू स्टडी द थाउजेंड प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स एंड नो नीड टू स्टडी द फिफ्टी थाउजेंड प्लस एम सी क्यूस ओके जितना चाहिए उतना पढ़ो वही चीज बार बार रिपीट करो आपका लॉजिक अप्लाई करो यू कैन ईजिली क्लियर द नॉट ओनली जीप एट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स राइट यस सर सो अभी क्या बोलेगा स्टूडेंट के पास अभी कोचिंग सेंटर से थाउजेंड प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दे रहा है थाउजेंड प्लस रिकॉर्डिंग है तो दे रहा यस सर वो सारी लेक्चर करने का जरूरत है क्या नहीं सर बेसिकली इतने लेक्चर्स करने की जरूरत नहीं है मैं तो बोलूंगा अगर कोई जीपैट कर रहे तो आप एपेक्स ही ज्वाइन कर लो क्योंकि एपेक्स में आपको कॉन्साइज और क्रिस्प कॉन्टेंट मिलेगा और उस कंटेंट में आपको लिमिटेड वीडियो लेक्चर्स लिमिटेड तुमको और सर कोई भी ऐसा कुछ मॉड्यूल्स वगैरह कुछ नहीं सर के वीडियो लेक्चर्स खुद नोट्स बनाने के वो नोट्स अच्छे से रिवाइज किया और रेफरेंस बुक में से थोड़ा पढ़ लिया तो मैं तो बोलता हूँ इजीली क्वालिफाई हो जाएगा कुछ गरज नहीं है इतना वन 100, थाउजेंड प्लस वीडियो लेक्चर ये सब करने की इतना एक तो दिमाग में रहता भी नहीं है और इंसान की कैपेसिटी भी उतनी नहीं मार्केट में अभी बहुत है। सर, को क्या लगता है कौन सा कोचिंग ज़्यादा दे रहा है हाँ सो so, उस कोचिंग का अच्छा लग रहा है बच्चा हाँ आजकल स्टूडेंट की मैंटेलिटी क्या हो गई है कि ना बाबा ये कोचिंग इतना दे रहा है तो ये इससे अच्छा मेरा रैंक आ जाएगा ये इतना दे रहा है तो इससे बट नहीं है तुम्हारा अगर कौनसाइज क्रिस्प कॉन्टेंट होगा तुम्हारे पास लॉजिकल रीजनिंग की कैपेसिटी होगी ये दो फैक्टर्स रहेगे तुम्हारे पास तो तुम ईजीली क्वालिफाई हो जाओगे जीपैट मतलब ज़्यादा कुछ इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सो so, आपको फोन कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट रेफर करना चाहिए मतलब जी पैट प्रपरेशन करने के लिए सर अभी अ, मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा वीक थोड़ा मतलब केमिस्ट्री था तो मैंने पहले केमिस्ट्री स्टार्ट किया था मैं डेली केमिस्ट्री करता था तो हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे तो लगता है कि पहले चार मेन कोर सब्जेक्ट जैसे कि अपना फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी और केमिस्ट्री तो ये चारों सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए राइट एट द सेम टाइम कौन सा सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए पूरा सिलेबस में मतलब ये नहीं करे तभी चलेगा भाई आप टाइम वेस्ट मत करो इसके ऊपर जाए सर बच्चे क्या करते कि अभी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट है फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है माइक्रो जैसे सब्जेक्ट है तो सर उसका क्या करते हो इतना पढ़ लेते हैं पूरा अनंत नारायण वगैरह ऐसी बुक से पूरा पढ़ लेते हैं बट हार्डली एक या क्वेश्चन आते हैं वो यार वो आते भी नहीं है तो इतना करने की जरूरत नहीं है थोड़ा अपना प्रीवियस ईयर देख लो क्रिस्प कंटेंट रखो अपना और अच्छे से रिवाइज कर लो तो हो जाएगा इजीली आप जी में कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट uh, सर uh, मैंने अराउंड वन ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन किए थे 120 हाँ, होता। अच्छा आंसर की आने के पहले कितना क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स मिल रहा था सर आंसर के आने के पहले मेरे सर थ्री टू ले Calculator. मतलब मैंने टेंटेटिवली कैलकुलेट किया था तो थ्रे थ्री सेवेंटी फाइव टू थ्री एटी हो रहा था मेरा आंसर so आंसर की आने के बाद हुआ क्या आई हियर इज ओनली बिकॉज ऑफ एपेक्स जी पैट बेसिकली एक्चुअली हमारे कॉलेज के एक्चुअली हम फर्स्ट बैचे हमें कुछ जी पैट का मालूम नहीं था सर का पहला लेक्चर हुआ और हमें जी पैट के बारे में मालूम हुआ फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तभी जाके मुझे जी क्या है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है फिर धीरे 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 मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर ने बताया कैसे पढ़ना है क्या है सर के लेक्चर्स अच्छे से किए सर के जो लास्ट थ्री मंथ जो लास्ट के थ्री मंथ है मैं कभी भी कभी नहीं भूल सकता मेरे लाइफ में क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से हमको बताया क्या पढ़ना है कौन से मतलब इतना लास्ट थ्री मंथ्स ऑफ जी इतना फोमो रहता है यूट्यूब पे ये देखो वो देखो ये पढ़ो वो पढ़ो बट सर ने बताया सर को फॉलो किया सर के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देखा मैंने और सर को मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आने वाला है कैसे घुमाने वाला है एग्जामिनर कितना कंटेंट कितने रेफरेंस बुक से कितना पढ़ना है सर नोज एवरीथिंग सो इफ़ यू आर इन एपेक्स जीपैक यू कैन इजीली क्वालीफाई जीपैक एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थैंक यू एंड वन मोर थिंग अभी मार्केट पे एक गंदा चीज़ चल रहा है मतलब रैंक्स खरीदने का ये कोचिंग का स्टूडेंट को थोड़ा पैसा ऑफर करके सो so रैंक खरीदने का ट्रेंड चल रहा है अभी yes. बहुत सारा कोचिंग है बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर से मतलब पाँच लाख दस लाख आठ लाख नौ लाख ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस ऑफर करके स्टूडेंट्स को खरीद रहा है, आपका कुछ कॉल आया कौन सा भी कोचिंग सेंटर से मतलब रैंक

सर फ्यूचर का प्लान मेरा है कि मुझे एम एस एम फार्म करना है एक्चुअली मेरी फर्स्ट ब्रांच अगर मिलेगी तो मुझे फार्माकोलॉजी लेनी है नहीं तो फार्मास्यूटिक्स और सेकेंड नहीं तो एम टेक इन मेडिकल डिवाइस एम टेक एन मेडिकल डिज यस सर ओके वेरी गुड एम मेडिकल डिज इन द हैविंग द गुड प्लेसमेंट यस सर सो मास्टर करने का तो कहाँ पर सोच रहा है मतलब आपका ऑप्शन आईसीटी भी है नाइपर भी है ये yes, सर दोनों है uh, दोनों में यस सर ओके कौन सा डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी Pharmacology. फार्माकोलॉजी Pharmacology नहीं तो फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी नहीं तो फार्मास्यूटिक्स वेरी गुड सो वट आज सर आई एम वेरी हैप्पी माई हैप्पीनेस हैज नो बाउंड मतलब बहुत हैप्पी हूँ सर और uh, मुझे मतलब दिल से एपेक्स जी पैट को बहुत थैंक uh, यू बोलना है क्योंकि आज इधर हूँ मैं तो उनके वजह से ही हूँ सर ने मतलब बहुत बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते हैं थैंक यू डेफिनेटली एंड ऋषभ बिफोर क्लोजिंग दिस इंटरव्यू आपका मॉर्निंग का शेड्यूल कैसे रहता था एक्चुअली मॉर्निंग कितना बजे उठता था कितना घंटा पड़ता था डेली सर uh, क्या हुआ कि मैं मतलब सर आप बोल रहे थे कि रोज़ चार बजे उठो चार बजे उठो तो मैंने भी क्या किया कि अभी uh, मतलब मेरे लास्ट सिक्स सेवन मंथ थे तो मैंने स्टार्ट किया मतलब पहले छः बजे उठा फिर पाँच बजे उठा फिर रोज़ चार बजे सर मुझे सर अभी भी मैं अभी सोता हूँ तो भले मैं कितने भी बजे सो जाऊँ बट मुझे अभी चार बजे मतलब उठ ही जाता हूँ मैं क्योंकि वो मेरी आदत हो गई है चार बजे मैं उठता था सो चार बजे तक मैं अराउंड आठ बजे तक पढ़ता था फिर थोड़ा नाश्ता वगैरह फिर अगर कॉलेज रहता था तो कॉलेज जाता था कॉलेज से पाँच बजे तक आ जाता था फिर उसके बाद साढ़े पाँच छः बजे में फिर से पढ़ाई को बैठता था तो अराउंड आठ बजे तक करता था फिर खाना वगैरह होता था फिर आपके लेक्चर्स रहते थे सर साढ़े दस बजे तक फिर वो रिवाइज करता था उतने में सर साढ़े ग्यारह बारह बज जाते थे और फिर सो जाता था फिर नेक्स्ट डे न्यू शेड्यूल वही वेरी गुड बट बिफोर क्लोजिंग द सेशन कैन यू टेक योर पेरेंट्स नेम हियर सो दैट दे फील वेरी प्राउड यस माय फादर्स नेम इज़ जयंतीलाल मनीलाल जैन एंड माई मदर्स नेम इज़ गीता जयंतीलाल जैन एक्चुअली आई वॉन्ट टू थैंक देम बिकॉज उन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली uh, खाना वगैरह मतलब मैं लेक्चर्स वगैरह चालू थे तो मम्मी ने मुझे खाना वगैरह सब हाथ में ला के दिया सब मतलब बहुत हेल्प की पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था तो फर्स्टली मैं उनको ही थैंक्स बोलूँगा और सेकेंडली हमारे मोहन सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषभ थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल